टेक्सटेप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप एंजल वन ऐप में ट्रांजैक्शंस को या फिर फंड ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों एंजल वन ऐप ओपन कर लेता हूं मैं। दोस्तों एंजल वन ऐप ओपन हो चुका है, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ एंजल वन ऐप में। ओपन होते ही आपको ये माय वॉच लिस्ट में ले आएगा। नीचे मेन्यू है दोस्तों जिसमें आखिरी ऑप्शन फंड्स का मिलेगा, इस पर टैप करिए ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए। फंड्स पर टैप करते ही आप फंड्स की स्क्रीन में आ जाएंगे और जो भी आपके अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड और ये सब की जानकारी आपको ऊपर ही मिल जाएगी और उसके नीचे आपको व्यू ट्रांजैक्शंस का एक फीचर मिलेगा। ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए इस व्यू ट्रांजैक्शंस के फीचर पर टैप करिए। टैप करते ही दोस्तों फंड ट्रांजैक्शंस की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको सबसे ऊपर रिपोर्ट टाइप मिलेगा जिसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है लेजर, इस पर टैप करिए तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। किस टाइप की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लेजर ही रहने देता हूं आपको समझाने के लिए। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट सेगमेंट कह रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑल सेगमेंट सेलेक्टेड है, इस पर टैप करिए तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप एनबीएफसी या फिर ऑल सेगमेंट्स ही रहने देना चाहते हैं आप पर है, मैं आपको समझाने के लिए ऑल सेगमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। और दोस्तों उसके नीचे फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर से फंड्स ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लीजिए, मैं जो सेलेक्टेड है उसी को सेलेक्ट रहने देता हूं। दोस्तों यहां से आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम डेट और टू डेट जो ऑलरेडी सेट है मैं उसे सेट रहने देता हूं। तो ट्रांजैक्शंस देखने के लिए दोस्तों नीचे व्यू ट्रांजैक्शंस की बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। तो दोस्तों टैप करते ही यहां पर ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, मैं यहां से आपको वापस ले चलता हूं। दोस्तों रिपोर्ट्स को ईमेल में सेंड करने के लिए नीचे ईमेल रिपोर्ट की बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करते ही आपसे पूछेगा रिपोर्ट्स विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपकी रिपोर्ट्स चली जाएंगी जो भी आपने यहां पर क्राइटेरिया सेट किया है, और भेजने के लिए नीचे प्रोसीड की बटन है, इस पर आप टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों एंजल वन से कंफर्मेशन आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आपके मेल में आपको फंड ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर एंजल वन ऐप में फंड्स के ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।